दुश्मन की विशालकाय टुकड़ी सामने से आ रही थी। अनगिनत समय तक चले असला बारूद का धुआं आसमान में छा गया था। जो साथी कुछ देर पहले तक डटे हुए थे, उनके साथ खड़े हुए थे, अब वो पूरी तरह से शांत पड़े चुके थे। एक ऐसी शांति जिससे वो कभी बाहर नहीं आने वाले थे, एक ऐसी शांति जिसका खौफ अब उस जवान पर भी मंडरा रहा था। उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो कितने घंटों से लड़े जा रहे थे। शरीर के अंग अंग को झोंक कर वो अपनी संपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल कर चुके थे, परंतु जितने दुश्मनों को खदेड़ा था उतने ही सामने खड़े दिखाई दे रहे थे। यदि हार मान लेते तो इतिहास बदल जाता, हार नहीं मानी इसीलिए इतिहास बना गए। एक पराक्रमी जनरल की कहावत है, साहस आगे बढ़ने की शक्ति होना चाहिए, यह शक्ति ना होने पर भी आगे बढ़ते जाना है। कुछ इस प्रकार का साहस दिखाया था भारत माता के वीर सपूत शहीद नायक जादूनाथ सिंह ने। यूपी के शाहजहांपुर का खजूरी गांव, साल 1916 के नवंबर महीने की किस तारीख, बीरबल सिंह राठौड़ के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। उनका नाम पड़ा जादूनाथ सिंह। 8 भाई बहनों में तीसरे थे जादूनाथ सिंह। पिता एक छोटे किसान थे और माता जी गृहिणी। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण सिर्फ 4th कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की थी उन्होंने। बचपन से पहलवानी का शौक था और पूरे गांव में उनकी पहलवानी के किस्से सुने और सुनाए जाते थे। शारीरिक अभ्यास ने इतना हट्टा कट्टा बना दिया था कि बिना हथियार के भी दुश्मन को पटक पटक कर मार सकते थे। बचपन के किस्सों और पहलवानी के परे जादूनाथ का एक ही सपना था, अपने देश की सेवा के लिए सेना में शामिल होना। साल 1941 में उन्होंने अपने सपने को पूरा किया और ब्रिटिश भारतीय सैनिक बन गए। उन्हें 7वें राजपूत रेजिमेंट का सदस्य बनाया गया था। सेना ज्वाइन किए उन्हें साल भर ही हुआ था कि उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में बर्मा अभियान के लिए अराकान जाने का आदेश मिला। वहां उन्हें जापानी सेना के खिलाफ मोर्चा संभालना था और इस मोर्चे पर जादूनाथ ने बहादुरी का ऐसा अद्भुत परिचय दिया, परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद उन्हें नायक पद पर पदोन्नत कर दिया गया। भारत आजाद हुआ तो उन्हें भारत पाक बंटवारे का दंश भी देखने को मिला। यह दर्द कम होता इससे पहले अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। भारतीय सेना को इस हमले का जवाब देने को कहा गया और इसी के तहत नायक जादूनाथ को नौसेरा को सुरक्षित करने और झांगर पोस्ट पर तिरंगा फहराने का आदेश मिला, जिस पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था। ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में 1 फरवरी 1948 को भारतीय सेना की 50 ब्रिगेडियर ने दुश्मनों पर हमला किया और उसे पीछे ढकेलने में वो कामयाब रही। इस हार से गुस्साए दुश्मनों ने 6 फरवरी को भारतीय सेना की पोस्ट तेंधार पर हमला कर दिया। यहां उसका सामना नायक जादूनाथ सिंह से होना था। नायक अपने 9 सैनिकों के साथ मोर्चे पर तैनात थे और दुश्मन की किसी भी कीमत पर दुश्मन को इस पोस्ट को जीतना नहीं देना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने तेंधार के आसपास के इलाकों को आग के हवाले कर दिया, यानी कि पाकिस्तानी सेना ने उस पूरी पोस्ट के आसपास के इलाकों को आग के हवाले कर दिया ताकि धुएं का फायदा उठाते हुए वो जादूनाथ सिंह को मात दे सके। मगर जादूनाथ तो जादूनाथ ठहरे। विरोधियों के ताबड़तोड़ हमलों के बीच जादूनाथ ने अपने साथियों से बात की और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने को कहा। उनकी योजना काम आई और पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि सब नियंत्रण में है, तभी दुश्मन ने एक बार फिर से हमला बोल दिया और इस बार वो पहले से ज्यादा ताकत के साथ गोलियां बरसा रहे थे। इस हमले में जादूनाथ के 4 साथी बुरी तरीके से अब तक घायल हो चुके थे। स्थिति बेकाबू होती जा रही थी। जादूनाथ ने एक बार फिर से अपने बचे हुए साथियों से बात की और उन्हें प्रोत्साहित किया। वो दौड़ दौड़ कर अपने साथियों के पास जाते और दुश्मन को मार गिराने को कहते। देखते ही देखते वो अपने साथियों के साथ मिलकर दुश्मनों को कमजोर करने में सफल रहे। ये दूसरा मौका था जब जादूनाथ विरोधी सेना को रोकने में सफल रहे थे। फिर आया वो पल जब नायक जादूनाथ सिंह ने साहस की नई परिभाषा रच दी।
अब तक पोस्ट पर तैनात सभी नौसैनिक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। पोस्ट पर अकेले नायक जादुनाथ सिंह बचे हुए थे। अब तक की लड़ाई में जादुनाथ सिंह बुरी तरीके से जख्मी हो चुके थे, लेकिन उनका जोश अभी भी बरकरार था। वहीं दुश्मन भी हर हालत में इस पोस्ट पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। उसने इस पोस्ट पर तीसरा और आखिरी घातक हमला किया। इस हमले से पहले नायक जादुनाथ सिंह पोस्ट के हालात को अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बता चुके थे। नायक जादुनाथ सिंह की मदद के लिए सेना की कुछ टुकड़ियों को उस इलाके में रवाना कर दिया गया था, लेकिन अभी तक वो पोस्ट तक नहीं पहुंच सकी थी। अब पोस्ट की रखवाली की पूरी जिम्मेदारी लहूलुहान हो चुके नायक जादुनाथ सिंह पर थी। दुश्मन की सेना लगातार गोलियां बरसाती हुई आगे बढ़ती चली आ रही थी। नायक जादुनाथ सिंह के शरीर पर भले ही जख्मों का असर बढ़ता जा रहा था, लेकिन उनके हौसले पहले से और भी ज्यादा बुलंद थे। इस हौसले का नतीजा था कि अपनी जान की परवाह किए बगैर नायक जादुनाथ अपनी पोस्ट से बाहर निकलकर एक साहसिक रूप अख्तियार करते हैं और एक खुले मैदान में आ जाते हैं। उन्होंने अपनी मशीन गन से अंधाधुंध दुश्मनों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। नायक जादुनाथ सिंह की मशीन गन से निकल रही गोलियां दुश्मन की समझ से परे थी और दुश्मन एक एक कर जमीन पर ढेर होता जा रहा था। तभी दुश्मन सेना की बंदूक से निकली दो गोलियां नायक जादुनाथ सिंह के सिर और सीने को भेदती हुई निकल गई और वो बलिदानी नायक जादुनाथ सिंह वहीं उसी क्षण धरा पर गिर पड़े। कुछ ही वक्त में वो वीरगति को प्राप्त हो गए। वीरगति से पहले वो अपनी रणनीति को सफल बनाने में कामयाब हुए थे। नायक जादुनाथ सिंह की रणनीति थी कि भारतीय सैनिकों की रीइंफोर्समेंट पहुंचने तक दुश्मन को रोके रखा जाए। उनकी शहादत के तुरंत बाद भारतीय फौज के रणबांकुरे मौके पर पहुंच गए और उन्होंने दुश्मनों को मार भगाया। इस तरह नायक जादुनाथ सिंह की बहादुरी के चलते पाकिस्तानी सेना भारतीय पोस्ट पर कब्जा करने में नाकाम रही। वीर सपूत जादुनाथ सिंह को देश पर बलिदान होने के लिए, अपने शौर्य के लिए, पराक्रम के लिए मरणोपरांत सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नायक जादुनाथ सिंह साहस की उस परिभाषा को लिख गए जो सदैव हर व्यक्ति को प्रेरित करेगी और हौसला देगी उनको जिनके मन में भारत माता की सेवा करने का एक सपना है। शिवालिक जनरल नमन करता है भारत माता के ऐसे सच्चे वीर सपूतों को जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए देश की रक्षा करते हैं, और नमन है ऐसे वीर परिवारों को जो अपने घर के चिराग की शहादत पर गर्व महसूस करते हैं, ताकि आपके हमारे घर के चिराग हमेशा जलते रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।